लोकसभा चुनाव से पहले देश में सियासी पारा हाई हो गया है। एक तरफ पीएम मोदी हर जगह अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी की गारंटी की पोल खोल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी को पिछले 10 सालों की गारंटी की याद दिलाई है, जिससे मोदी सवालों के घेरे में आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी लोकसभा चुनाव की सीढ़ियां मोदी की गारंटी के नाम पर चढ़ना चाहती है, लेकिन पीएम मोदी की गारंटियों को कांग्रेस ने जुमला साबित कर दिया है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएफ की प्रणाली को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पिछले 10 साल के अन्याय काल को इससे समझा जा सकता है कि इसमें किसी भी समुदाय को उसका पूरा हक नहीं मिला है। महिलाएं जॉब मार्केट से बाहर हो गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान अपने फसल की पर्याप्त कीमतें पाने में असमर्थ है, यहाँ तक कि श्रमिक जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं अपनी मेहनत की कमाई पाने में असमर्थ है। ईपीएफओ भारत के श्रमिकों के लिए भविष्य निधि का प्रबंध करने वाला सरकारी संगठन है। इसमें भविष्य निधि क्लेम के अंतिम निपटान के लिए अस्वीकृति की दरों में काफी वृद्धि देखी गई है। अभी पीएफ के अंतिम निपटान के लिए लगभग 3 में से 1 क्लेम खारिज कर दिए गए हैं। यह 2017-18 के 13% से अधिक है। खारिज होने वाले हर क्लेम कामकाजी परिवारों के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। यह साधारण और गरीब परिवारों के लिए अत्यधिक तनाव और पीड़ा का कारण बन रहा है। क्लेम्स को प्रोसेस करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली का लागू किया जाना बड़े पैमाने पर इनके खारिज होने का प्रमुख कारण है। ईपीएफओ के असंवेदनशील और नौकरशाही से भरी नीतियों के कारण कम से कम एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस का 5 न्याय एजेंडा, जिसका श्रमिक न्याय मुख्य स्तंभ है, यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों और उनके परिवारों को अपने अधिकारों से वंचित ना होना पड़े। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी कांग्रेस जयराम रमेश के इस वार पर कोई जवाब देते हैं या नहीं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।